तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम टॉपिक्स कौन से इस वीडियो में कवर करेंगे। फॉलो करते रहें, स्किप मत करें या फिर स्पीड ना बढ़ाएं। जिस स्पीड से बता रहा हूँ भाई उसी स्पीड से ले लो, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो भाई जो पिछली वीडियो देखी उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान से ये वीडियो देख लो ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। एंड जो प्रॉब्लम आपको आती है कि भाई ट्रैफिक नहीं आ रहा, मेरी साइट पे ये प्रॉब्लम आ गई, इंडेक्स नहीं हो रही है, वो सभी की सभी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो पहले टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन नेम कौन सा लेना है। .com की सेल चल रही है GoDaddy पे, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। 93 रुपीज की डोमेन मिल रही है .com, ले लो। कैसी लेनी है वो बताऊंगा वीडियो में। होस्टिंग कौन सी लेनी है, कौन सी बेस्ट रहेगी, और थीम कौन सी लेनी है आपको। थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके यूजर इंटरफेस के लिए। एसईओ फ्रेंडली थीम होगी, अच्छे ब्लॉगर्स जिस थीम को यूज करते हैं, अगर आप वो थीम यूज करोगे तो आपकी साइट के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड थीम होती है और एक यूजर फ्रेंडली थीम होती है, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग गूगल पर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से होती है। मैंने एक थीम निकाल के रखी है जो कि स्पेशली लिरिक्स वेबसाइट्स यूज करती हैं। वीडियो को देखते रहना, मैं आपको वो थीम भी दिखाऊंगा, कौन सी थीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट कहां से मिलेगी फुल बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई पोस्ट कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे डालना है। आप में से बहुत ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई हम आर्टिकल कैसे पोस्ट करें, कंटेंट कहां से लाऊं, क्या मेरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, टाइटल कितना देना है, इंट्रो देना है नहीं देना, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। एंड उसके बाद मैं बात करूंगा ऑन पेज एसईओ की। गाइस बिना एसईओ के आपकी साइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा, अच्छे से आर्टिकल नहीं लिखोगे ट्रैफिक नहीं आएगा। ट्रैफिक के लिए ऑन पेज एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियोस में आपको ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स कैसे बनाने और इनिशियल ट्रैफिक कैसे लेके आना अपनी साइट पर, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को भी ध्यान से देखते रहो और इस सीरीज को भी फॉलो करते रहो। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे या फिर आप इंटरेस्टेड हो वेबसाइट बनाने में, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए जल्दी से वीडियो लाने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडसेंस अप्रूवल। गाइस आप में से बहुत ज्यादा लोग हमें पूछ रहे हैं कि भाई एडसेंस अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, भाई कॉपीड कंटेंट आप डलवा रहे हो तो एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा। मैं आपको फुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भाई कि आपको कैसे 100% अश्योरिटी के साथ एडसेंस अप्रूवल मिलेगा आपको अपनी लिरिक्स वेबसाइट पे। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक वेबबीस्ट का प्रो टूल, जिसको यूज करके आप एक क्लिक से अपने लिए लिरिक्स की पूरी पूरी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टूल मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन नेम की। तो गाइस जो आपको डोमेन नेम लेना है उसमें लिरिक्स कीवर्ड जरूर होना चाहिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जब भी कोई गूगल पर सर्च होता है रिलेटेड टू लिरिक्स, उस पर अगर आप टॉप साइट्स को देखोगे तो आपको सभी साइट्स दिखेंगी जिनमें लिरिक्स है, जिनके कीवर्ड में लिरिक्स लगा हुआ है। चाहे आप देख लो लिरिक्स मेंट, लिरिक्स बेल, लिरिक्स राग, आई लिरिक्स हब, तो आपकी डोमेन नेम में भी लिरिक्स होना चाहिए। अब वो आप जैसा मर्जी लो, आप प्रो लिरिक्स ले लो अगर अवेलेबल है, हिंदी में lyrics.com या फिर कोई भी .com डोमेन ले लो। .com डोमेन्स इस टाइम पे 93 रुपीज की मिल रही है GoDaddy पर, वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आई बटन में ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। आप अभी जाओ डोमेन ले लो अपनी पसंद की लिरिक्स वेबसाइट के लिए, और उसमें लिरिक्स कीवर्ड जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम होस्टिंग की, होस्टिंग कौन सी लें। आप में से मैक्सिमम लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है, मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं सर मैं होस्टिंग कौन सी लूं, DigitalOcean लूं, GoDaddy लूं, HostGator की लूं या कौन सी होस्टिंग लूं। तो गाइज आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लिरिक्स वेबसाइट बना रहे हो तो आपको जो होस्टिंग लेनी चाहिए दैट शुड बी ब्लॉगर, क्योंकि ब्लॉगर के साथ आपको फ्री होस्टिंग तो मिलती ही है, अनलिमिटेड ट्रैफिक आपकी साइट हैंडल करेगी क्योंकि गूगल के सर्वर्स हैं, और साथ ही आपको एक फ्री SSL सर्टिफिकेट भी मिलता है। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि गूगल ब्लॉगर की साइट्स पे फ्री SSL प्रोवाइड करता है, तो उससे आपका जो SSL खरीदने का खर्चा है वो भी बच जाता है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप ब्लॉगर पर ही अपनी साइट को होस्ट करवाएं, क्योंकि बिना मतलब के वर्डप्रेस पे जाने का कोई फायदा नहीं है एज सच। और अगर आपको बहुत ज्यादा डेस्परेशन है वर्डप्रेस पे साइट बनाने के लिए, तो आप DigitalOcean को यूज कर सकते हो, SiteGround को यूज कर सकते हो, या फिर किसी भी लीडिंग होस्टिंग प्रोवाइडर को यूज कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं कि भाई ब्लॉगर पे तो आपने होस्टिंग करवा दी, SSL भी दिलवा दिया, डोमेन भी हमने ले लिया, अब हमें थीम कौन सी डालनी है। तो मैं आपको थीम का बताता हूं। तो गाइस जो आपको थीम यूज करनी है लिरिक्स वेबसाइट में फॉर ब्लॉगर, तो वो थीम है मिनिमा कलर्ड 3 मैग। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप इसको गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कौन सी थीम की मैं बात कर रहा हूं। ये गुयाबी टेम्पलेट्स की तरफ से थीम आती है, बहुत सारी साइट्स मैंने ऐसी देखी है जो कि ग्रोइंग है, अच्छा खासा ट्रैफिक आता है उन पर, और वो भी इसी थीम को यूज करते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि आप इस थीम को यूज कर लो। जब आपकी साइट चल पड़ती है तो आप इस पे इन्वेस्ट करके आप प्रीमियम थीम्स भी ले सकते हैं जो कि लीडिंग साइट्स यूज करती हैं। अभी के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप फ्री थीम को यूज करो और आप इस थीम के साथ जा सकते हो। अगर आपकी कोई और प्रायोरिटी है, आपकी प्रेफरेंस है, तो आप उन थीम्स को भी यूज कर सकते हो, बट एज पर माई रिकमेंडेशन आपको ये वाली थीम यूज करनी चाहिए। इस थीम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाके इस थीम को अपनी ब्लॉगर पर
पर लगा सकते हो। तो गाइज अब हम बात करेंगे आर्टिकल कैसे पोस्ट करना है। आर्टिकल के बहुत सारे पार्ट्स मैंने डिवाइड किए हुए हैं, आप सभी को ध्यान से देखते रहो, क्योंकि अगर आपका आर्टिकल अच्छा नहीं लिखा होगा या फिर आपके आर्टिकल में प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइडेड नहीं होगा तो आपका आर्टिकल शायद गूगल पर रैंक ना करे। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तभी मैंने ये चेकलिस्ट सी अपने लिए बना के रखी है। इस बार मैं आपको बहुत ज्यादा चेकलिस्ट देता हूं, अब इस बार मैंने अपने लिए चेकलिस्ट रखी है ताकि जो कंटेंट मैं सोचता हूं बताने के लिए वो मैं भूल ना जाऊं वीडियो बनाते बनाते, इसलिए मैं अब एक चेकलिस्ट को फॉलो कर रहा हूं। आई होप कि आपको वो पसंद आ रहा होगा। मैं सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर रहा हूं, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक दबा दो ताकि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाने के लिए। मैं बाकी काम छोड़ के आपके लिए वीडियोस बना के लाऊं, क्वालिटी वीडियोस होंगी और सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको वेब बीस्ट के यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उस रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, क्योंकि हमें न्यू ईयर से पहले 30,000 सब्सक्राइबर भाई कंप्लीट करने हैं। आपका बहुत प्यार मिल रहा है हमें, बस 1300 सब्सक्राइबर रह गए हैं, दिन 12 रहते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। ये जो 30,000 का मार्क है इसे हम क्रॉस कर लेते हैं एंड हम 1,00,000 की जो हमारी जर्नी है उसे स्टार्ट कर देते हैं। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो गाइज अब हम बात करते हैं भाई आर्टिकल कैसे लिखना है। तो गाइज ये जो आर्टिकल लिखना है ये मैं आपको एक सैंपल आर्टिकल भी लिख के बताऊंगा, आपको उसी वे में अपने सारे के सारे आर्टिकल्स लिखने हैं। सो फॉलो करते रहें, स्किप मत करें या फिर स्पीड ना बढ़ाएं, जिस स्पीड से बता रहा हूं भाई उसी स्पीड से ले लो, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो भाई जो पिछली वीडियो देखी उसका भी कोई फायदा नहीं है, ये जो इतनी आपने देखी है स्किप कर करके उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान से ये वीडियो देख लो ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं एंड जो प्रॉब्लम आपको आती है कि भाई ट्रैफिक नहीं आ रहा, मेरी साइट पे ये प्रॉब्लम आ गई, इंडेक्स नहीं हो रही है, वो सभी की सभी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस जो आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज टाइटल। अब टाइटल में क्या है, सपोज अगर मैं ये चिट्टा कुर्ता का ही लिरिक्स डाल रहा हूं, मैं इसकी एक एग्जांपल लूंगा आपके लिए, तो आपके टाइटल में पहली बात ये चिट्टा कुर्ता तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम चिट्टा कुर्ता डाल देंगे। अब आपकी ये जो है लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज को फोकस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो हम उसको भी बाद में देखेंगे। अब हमने चिट्टा कुर्ता दे दिया, अब हमारी साइट लिरिक्स की है तो हम डायरेक्टली अब लिरिक्स तो देंगे ही। तो गाइस जो मैंने अपने आर्टिकल का टाइटल दिया है, मैंने लिखा है चिट्टा कुर्ता लिरिक्स, जो इस सॉन्ग का सिंगर है उसका नाम करण औजला एंड फीचरिंग में मैंने डाल दिया जिसका म्यूजिक है इसमें डीप चंडू। अब इसमें क्या होता है कि यूजर कुछ भी सर्च कर सकता है, वो चिट्टा कुर्ता लिरिक्स भी कर सकता है, वो आर्टिस्ट वाइज भी आ सकता है या फिर उसे शायद डीप चंडू का नाम पता हो तो वो उसके हिसाब से भी सर्च करके आ सकता है। तो आपके आर्टिकल पे सभी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके टाइटल पर कीवर्ड्स होने चाहिए आपके आर्टिकल में, ताकि आपका आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स पर रैंक करे गूगल में एंड आपके पास मैक्सिमम ट्रैफिक आए सभी कीवर्ड से फ्रॉम गूगल। तो हमारा ये टाइटल हो चुका है। अब इसके बाद जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी वो ये है कि आपको एक इंट्रो देनी चाहिए, बेसिक सी इंट्रो रिलेटेड टू दैट सॉन्ग। अब ये जो बेसिक इंट्रो है, तो गाइज मैंने जो अपना आर्टिकल है इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख दिया है, आप इसको अपने हिसाब से जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप वैसे लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि उसमें ज्यादा लेंथ होनी चाहिए तो आप वैसा भी कर सकते हो, अगर आपको एक सिमिलर सा कुछ रखना है सेंटेंस तो आप वो भी अपने सभी आर्टिकल्स के लिए रख सकते हो, एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि आप ज्यादा कीवर्ड्स पर रैंक कर सको। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो गाइज अब इंट्रो लिखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन रहेगा दैट इज सॉन्ग के क्रेडिट्स। जो भी सॉन्ग के रिलेटेड क्रेडिट्स हैं वो आपको लिख देने चाहिए, ताकि अगर बंदा उसके डायरेक्टर के हिसाब से आ रहा है, जो चैनल ने अपलोड किया उसके हिसाब से आ रहा है, या फिर उसकी वीडियो किसने बनाई है उसके हिसाब से आ रहा है, या फिर लिरिसिस्ट कौन है, सिंगर कौन है, म्यूजिक किसने दिया है, प्रोड्यूसर कौन है, तो सभी की इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। अब सॉन्ग के रिलेटेड इस इंफॉर्मेशन के आपको किसी साइट पर जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूट्यूब का यूज कर सकते हो। यूट्यूब पर जब आप उस वीडियो को प्ले करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है सिंगर कौन है, इसका कंपोजर कौन है, एंड ये सभी आप इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कॉपी करके अपने ब्लॉगर में आप पेस्ट कर सकते हो। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसा करना है कैसा नहीं, अब वो आप पर डिपेंड करता है जैसे मैं चाहता हूं। तो गाइज मैंने बेसिक फॉर्मेटिंग कर दी है ये जो क्रेडिट्स की है, क्रेडिट्स से आपको एक ही फायदा होता है कि आप ज्यादा कीवर्ड्स पर रैंक कर लेते हो। अब क्रेडिट्स के बाद जिस चीज पर हम फोकस करेंगे दैट इज सॉन्ग का इमेज, एंड इसके साथ मैं आपको कवर करूंगा यूट्यूब आई फ्रेम का। तो अब सॉन्ग का ये जो इमेज है आप ये कहां से आएगी, इसके लिए आप डायरेक्टली जा सकते हो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको डायरेक्टली एक साइट का लिंक मिलेगा youtubethumbnaildownloader.co, उस साइट पर जाके आपको अपना बस ये जो वीडियो का लिंक है इसे आपको पेस्ट कर देना है, आपको बस अपनी वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डाउनलोड यूट्यूब थंबनेल्स, तो आप देख सकते हो कि आपके सामने सारे के सारे थंबनेल्स आ गए हैं। मैं ये फर्स्ट वाले थंबनेल को डाउनलोड कर लेता हूँ एंड ये मेरा थंबनेल डाउनलोड हो चुका है। और इसके साथ आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है एंड ये साइट आपको आई फ्रेम भी जनरेट करके देती है, आपको इस आई फ्रेम को अभी के लिए कॉपी कोड कर लेना है। कॉपी कोड पे क्लिक करते ही आपका ये जो कोड है ये कॉपी हो जाएगा एंड इसे हम पेस्ट करेंगे एचटीएमएल साइट पे जाके, मैं यहाँ पे इसे पोस्ट कर देता हूँ एंड हम कंपोज वाली साइट पे आएंगे।
आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा आई फ्रेम भी आ चुका है। अभी के लिए इसे नीचे रखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे करनी है इमेज अपलोड। तो इमेज अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अब हम चूज फाइल करेंगे। तो गाइज जो इमेज है वो मैंने अपलोड कर दिया, अब हम इसे ऐड कर देंगे अपनी पोस्ट में। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे इमेज मिल चुकी है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ इसकी। अब हमारी इमेज भी आ चुकी है, आई फ्रेम भी आ चुका है। अब बात है लिरिक्स की। तो लिरिक्स के लिए आपको कहीं से टेंशन नहीं लेनी है। जिस भी साइट से आपको लिरिक्स मिल जाए आपको उस साइट से डायरेक्टली कॉपी कर लेना है। अभी के लिए जैसे ये जो मेरे सामने साइट है lyricsbell.com, मैं यहीं से डायरेक्टली कॉपी कर लूंगा लिरिक्स। तो ये यहां से सीधे पकड़ना है एंड सीधे नीचे जाना है हमें स्क्रॉल करते हुए एंड यहां पे हमने इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करते हैं हम अपनी पोस्ट पर डायरेक्टली आएंगे, यहां पे पेस्ट करेंगे। अब आपको यहां पे देखना है ये जो चीजें ये सब आपको फॉर्मेट करना है। यहां पे मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा, ये जो लिरिक्स है इसे आप सेंट्रल अलाइंड रखें तो वो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि मैक्सिमम साइट्स पे वैसे ही रहता है। एंड इसमें मैं एक फॉन्ट भी हम कुछ चेंज कर सकते हैं जो कि हमें नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा हटके हमारे पास आएगा। एंड यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसी फॉर्मेटिंग आपको करनी है आप वैसे फॉर्मेट कर सकते हो इस चीज को। हमारी पोस्ट बेसिकली रेडी है एंड हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स भी कवर कर दिए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिश करूंगा एंड अभी हम यहाँ पे पोस्ट देखते हैं। एंड पोस्ट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई बिल्कुल सही पोस्ट है। जैसे लोगों की पोस्ट होती है वैसे हमारी पोस्ट है, हमें और कुछ नहीं करना है। इसी सेम वे में आपको अपनी पोस्ट डालनी है। अब पोस्ट का तो एक साइड पे हो गया, अब बात आती है ऑन पेज एसईओ की कि भाई एसईओ क्या रहेगी इसमें, अब कैसे कैसे मैं कंटेंट डालूं, क्या क्या डालूं। मैक्सिमम पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बाकी के जो रह गए वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ऑन पेज एसईओ का वो ये है कि जो आपका टाइटल है उसमें सॉन्ग का नेम तो होना ही चाहिए। सॉन्ग के नेम के साथ साथ जो लिरिक्स कीवर्ड है वो होना चाहिए। अगर आप एक लैंग्वेज स्पेसिफिक लिरिक्स दे रहे हो, चाहे पंजाबी में दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, मलयालम में दे रहे हो, तमिल में दे रहे हो, तेलुगु में दे रहे हो, मराठी में दे रहे हो, गुजराती में दे रहे हो, तो आपको वो लैंग्वेज भी स्पेसिफाई करनी है। तो वही चीज मैं अब यहाँ पे कर दूंगा। ये जो हमारा आर्टिकल है ये इंग्लिश में है तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कर दूंगा ताकि ये आर्टिकल स्पेसिफिकली इंग्लिश पर रैंक करे। एंड इसी के लिए सेम आर्टिकल मैं हिंदी में देना चाहूँ, पंजाबी में देना चाहूँ या फिर किसी और लैंग्वेज में देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ दूसरी साइट से कॉपी करके। अब वो मेरे पर डिपेंड करता है। लैंग्वेज स्पेसिफाई करने से जो आपका निश है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है आपके ब्लॉग के लिए, लेकिन वो उतना ही इजिली रैंक करता है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको भी दिमाग में रखें वाइल क्रिएटिंग लिरिक्स वेबसाइट। एंड इसके साथ हमें जो चीजें और दिमाग में रखनी चाहिए वो ये है कि अगर वो मूवी का कोई सॉन्ग है तो आपको मूवी का नेम डालना है। अगर किसी एल्बम में आ रहा है वो गाना तो आपको वो एल्बम डालनी है। अगर कोई आर्टिस्ट है उसका या फिर आपका कोई और कोलैबोरेशन हो रहा है या फिर जैसी भी कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि उस टाइटल के लिए अच्छा रहेगा, आपकी पोजीशनिंग अच्छी करेगी, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। एक जो बेसिक गूगल की रिक्वायरमेंट रहती है वो ये है कि आपका जो टाइटल का लेंथ है वो 55 से कम होना चाहिए। मैं यही प्रेफर करता हूं कि आप 55 से कम ही लेंथ रखो क्योंकि वही पोर्शन है जो गूगल शो करता है। ज्यादा रखोगे तो वो स्पैमी लगता है, तो ज्यादा लंबा मत रखना। 55 तक जितना कंटेंट आ जाए उतना रख दो, बाकी का आप छोड़ भी सकते हो। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो ये है कि जो सॉन्ग के क्रेडिट्स हैं वो बहुत ज्यादा मस्ट हैं। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि सॉन्ग के क्रेडिट्स का मेन रीजन यही रहता है कि अब बंदा रिहान रिकॉर्ड्स के तरफ से आए या फिर वो डीप जंडू सर्च करे या फिर वो करण औजला सर्च करे, उसके लिए भी आपकी पोस्ट रैंक कर जाए एंड आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिले फ्रॉम ऑल ऑफ द सोर्सेज। एंड जो नेक्स्ट चीज रहेगी वो ये है कि आपको प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग करनी है। गाइस आप में से बहुत ज्यादा लोग भाई मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा आर्टिकल रैंक नहीं हो रहा है, ट्रैफिक आ गया है लेकिन ग्रो नहीं हो रही है साइट, अर्निंग ज्यादा नहीं हो रही है। उस चीज में ऑन पेज एसईओ की तरफ से जो मेन चीज लैग करती है वो है इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर नहीं होती है आपकी साइट्स पे। मैंने देखा जितने भी न्यू ब्लॉगर्स रहते हैं वो इंटरनल लिंकिंग तो करते ही नहीं है। तो आपको अपनी पोस्ट में इंटरनल लिंकिंग करनी कैसे है, आपको डायरेक्टली जाना है अपनी पोस्ट पर एंड आपको पोस्ट में देखना है जैसे आपका ये सिंगर है करण औजला तो आपकी साइट पर एक पेज होना चाहिए रिलेटेड टू करण औजला। आप उसका आप लेबल बना लो या फिर आप उसको अलग से कोई पोस्ट लिख के डाल दो उसमें रिलेटेड टू करण औजला, उसके बाकी सॉन्ग्स के लिरिक्स डाल दो। वो सब आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे कैटेगराइज करना चाहते हो। आई वुड प्रेफर कि आप एक लेबल ही दे दो करण औजला का ताकि आपकी बाइफर्गेशन भी पोस्ट की अच्छे से हो जाए एंड आप इस करण औजला के ये जो आपका करण औजला का टेक्स्ट है इसे आप डायरेक्टली लिंक बना सकते हो एंड आप यहाँ पे अपना जो भी वो लेबल का लिंक है वो आप डाल सकते हो। तो इसी सेम वे में आपको अपने म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी अलग से लेबल बनाना चाहिए, वीडियो डायरेक्ट किसने कही है उसके लिए भी अलग से लेबल बनाना चाहिए ताकि आपकी पोस्ट बाइफर्गेटेड रहे एंड आपकी पोस्ट इंटरनल लिंक्ड रहे। अगर मैं चिट्टा कुर्ता सर्च करके आया हूं तो शायद मैं करण औजला के बाकी सॉन्ग्स के लिरिक्स भी सुनने में इंटरेस्टेड हो सकता हूं एंड उस चीज को आपको पकड़ना है एंड आपको उसका बेनिफिट उठाना है अपनी बाकी पोस्ट को बाकी पेजेस को रैंक करवाने के लिए ऑन टॉप पोजिशन ऑफ गूगल। तो यहाँ पे आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो। अब इंटरनल लिंकिंग आप कितने अच्छे तरीके से करते हो वो आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरनल लिंकिंग ढंग से
करोगे तो आपकी पोस्ट बहुत अच्छे से रैंक होंगी गूगल में एंड आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो गाइस जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा जो ऑन पेज एसईओ का है वो ये है कि आपका जो लिरिक्स है दैट शुड बी जेन्युइन। बहुत ज्यादा लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कि भाई आप रिटर्न कॉन्टेंट दे दो, वहां पे प्रोडक्ट है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी साइट शायद एक दिन के लिए रैंक कर जाएगी, डेढ़ दिन के लिए रैंक कर जाएगी, बट उससे ज्यादा आई गारंटी के कभी नहीं रैंक करेगी। अगर आपकी साइट यूजर को सेटिस्फाई नहीं करती है तो गूगल आपकी साइट को कभी रैंक करेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ा एसईओ का ब्लंडर है। हमें लगता है कि बस मैं टाइटल में डाल दूंगा, थोड़ा सा कंटेंट नीचे डाल दूंगा, कीवर्ड स्टफिंग कर दूंगा, वो दिन गए जब आपकी साइट इन चीजों को करके भी रैंक कर जाती थी। आज के टाइम पे अगर आपकी साइट को यूज करके यूजर सेटिस्फाइड है तो आपकी साइट हायर पोजीशंस में रैंक करेगी, अगर यूजर डिससेटिस्फाइड है तो आपकी साइट कभी भी रैंक नहीं करेगी। तो ये चीज को ध्यान में रखो, दिमाग में रखो कि भाई आपको कंटेंट जेन्युइन देना है। नहीं मिल रहा है लिरिक्स तो ऐसे लिंक अपलोड नहीं कर देने टाइटल डाल के, कीवर्ड डाल के एंड फोटो डाल के। आपको लिरिक्स के लिए वेट करो, जैसे ही सॉन्ग रिलीज होता है तो आप उसके चाहे खुद लिख लो, अगर इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है लिरिक्स तो आप खुद लिरिक्स लिख के डाल सकते हो। इतनी मेहनत करोगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके पास कंटेंट यूनिक रहेगा, आपका खुद का कंटेंट रहेगा एंड लोग आपसे कॉपी करेंगे। ये जो बड़ी साइट्स वाले ये आपकी साइट से कॉपी करेंगे इन लिरिक्स को एंड अपनी साइट पर डालेंगे। एंड इस चीज को अगर आप ढंग से एक डेढ़ महीना करते रहोगे बिना किसी भी चीट के तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे एंड इसकी गारंटी मैं लेता हूं। एंड गाइस ये बातें तो हो गई हमारी, अब कंटेंट हमारा बन चुका है, अब इस कंटेंट को हमें मोनेटाइज करना है। तो आप में से बहुत ज्यादा लोगों के भाई ये मेरी पिछली वीडियो में यही क्वेरी रह रही थी कि सर इसमें हम कॉपीड कंटेंट डाल रहे हैं या फिर इसमें पोस्ट की लेंथ छोटी रह रही है, 300 से ज्यादा का कोई लिरिक्स नहीं आता है, अब इस पे हमें एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा। तो एडसेंस अप्रूवल के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं लिरिक्स में इस टाइम पर कोई भी हो गई तो इनका मैं आपको एक रियलिटी चेक दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं ये पकड़ता हूं इसका ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसे मैं कर लेता हूं कॉपी एंड इसे मैं जाके अब पेस्ट करूंगा गूगल पर। तो आप देख सकते हो कि यहां पे ये जो फर्स्ट साइट है ये है brainly.in एंड इस पर ये लिरिक्स सेम अवेलेबल है, दूसरा लिंक भी brainly का है, थर्ड लिरिक्स कोई lyrics.internetjankari.com है इस पर भी सेम लिरिक्स है एंड lyricswood.in पर भी सेम लिरिक्स है। अब मैं आपको ये कोई साइट दिखा देता हूं एंड इस पर आप देख सकते हो ये जो साइट है lyrics.internetjankari.com इस पर भी भाई ये देखो गूगल एड लगी हुई है, कोई मैं यहाँ पे आपको डिलीट करके नहीं दिखा रहा हूँ, सभी पे गूगल एड्स लगी हुई है, ऑटो एड लगा रखी है, भाई ने एड दबा के पैसा पेल रहे हैं। तो आप भी सेम वे में भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं पर्सनली इस चीज पे वर्क कर चुका हूँ एंड अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि शायद मैं इस पे वर्क करूँ दोबारा से। एंड एडसेंस अप्रूवल पर भाई मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अभी भी नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, अभी जाओ वीडियो देखो क्योंकि बहुत सही वीडियो बनाया मैंने। वेबबीस्ट का टूल यूज करके आप इजिली विद इन 24 आवर्स एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपको बहुत जल्दी एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। शॉर्ट मेथड है, मेरा मेथड है, अभी जाओ वीडियो देखो, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो, आप कॉपी करके अपना जैसे मैंने मेथड बताया है वीडियो में सेम मेथड से आप अपनी पोस्ट डालो। हाँ इसमें अभी आर्टिकल का लेंथ कम है तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल ज्यादा डालने पड़ेंगे अप्रूवल लेने के लिए। तो इसके लिए व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आपको 35 से 40 आर्टिकल्स डाल देने चाहिए अपनी साइट पे, उसके बाद ही आप गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए जाएं। क्योंकि अगर आपके पास गुड क्वांटिटी ऑफ कंटेंट होगा तो आपको डेफिनेटली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा विदाउट एनी डाउट एंड इन फ्यूचर हो सका तो आपके लिए शायद कोई गिव अवे भी अच्छा आ जाए हमारे चैनल पर। गिव अवे के लिए लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, भाई के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपके लिए ऐसी लिट वीडियोस आती रहेंगी बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे। सो अभी सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि जो हमारा 30,000 का मार्क है वो हम जल्दी से क्रॉस कर जाए एंड आपका भाई खुश हो जाए 30,000 के बाद। तो गाइस जो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया वो ये है कि वेबबीस्ट का प्रो टूल कंटेंट क्रिएट करने के लिए। अब ये मैंने एक टूल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, थोड़ा सा अंडर डेवलपमेंट है, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाते हैं तो मैं वो टूल का लिंक पब्लिक कर दूंगा। उस टूल को यूज करके आप विद वन क्लिक अपने लिए ये जो पूरी की पूरी पोस्ट हमने क्रिएट की है ना, आगे पीछे से कॉपी करके ये बोल्ड करना, छोटा करना, ये इमेज लगाना, इसको सेंट्रल लाइन करना, ये आई फ्रेम लगाना, ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। अगर आपको दिन में मान लो कि 10 गाने डालने पड़ जाए, 15 पड़ जाए तो आपके लिए ज्यादा हेक्टिक हो सकता है। आपको मान लो अगर 10 मिनट लग रहे हैं एक गाने में तो आपको 1.5-2 घंटा लगातार बैठ के गानों के अपलोड करना पड़ेगा। बट यूजिंग वेबबीस्ट का टूल ये जो चीजें हैं, फॉर्मेटिंग हो गया, आपकी इमेजेस लगाना है, ये सबकी सॉर्टिंग, ये सब बहुत ईजी हो जाएगा। टूल ऑलमोस्ट रेडी है, अगर आपको वो टूल चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक करो क्योंकि इस वीडियो पे जैसे ही 1000 लाइक्स हो जाएंगे मैं उस टूल के रिलेटेड वीडियो बना दूंगा एंड आप उस टूल को यूज करके अपने लिए इजीली पोस्ट निकाल सकते हो। एक पोस्ट को बनाने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा यूजिंग दैट टूल। सो अगर आपने लाइक नहीं किया तो भाई टूल के लिए लाइक कर दो क्योंकि 1000 लाइक होते ही इस
इस वीडियो पे, क्योंकि 1000 लाइक्स होते ही इस वीडियो पे टूल का वीडियो चैनल पर आ जाएगा एंड आपके लिए टूल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा ओनली ऑन webbees.in। सो लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, और इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, क्योंकि ये जो फैमिली है बहुत जल्दी ग्रो हो रही है webbeast की, एंड इसे हमें जल्दी से 1 लाख की साइड पे लेके जाना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर सके आपके लिए एंड आपको बेनिफिट मिले फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अर्निंग का, ऑनलाइन ब्लॉगिंग का, ताकि आपको ढंग से कंटेंट मिलता रहे, जल्दी जल्दी कंटेंट आए एंड आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ताकि आपको फ्री में नॉलेज मिले, आप अर्निंग स्टार्ट कर सको एंड आपको अच्छा सा सपोर्ट मिले फ्रॉम webbeast। गाइज इस वीडियो में तो था कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, उसकी प्रॉपर ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है, आने वाली वीडियो में आपको ऑफ पेज एसईओ के साथ साथ बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं, बैकलिंक्स में भी हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स जहां से आपको इनिशियल ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा एंड उस ट्रैफिक को यूज करके आप बहुत जल्दी गूगल पर रैंक भी कर सकते हो। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस फ्री नॉलेज का फायदा उन्हें भी मिल सके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।